जैसे ही महिलाएं कंसीव करती हैं तो उनके मन में बहुत सी जिज्ञासा हो जाती है कि उन्होंने जो है बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है, बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। आस पड़ोस के लोग, अगल बगल के लोग या घर के लोग जो है हमें ये सजेस्ट करने लगते हैं, कोई बोलने लगता है कि हमने जो है बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है, कोई बोलता है कि हमने जो है बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लक्षण भी हैं जिन्हें देख कर हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि हमने जो है बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो उन्हीं लक्षणों में से एक लक्षण है सोना, प्रेगनेंसी में हमारा सोना। तो चलिए जानते हैं कि क्या सोने को जो हम लोग जो है इससे जान सकते हैं कि हमने जो है बेबी गर्ल को कंसीव किया है या बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और बगल में बेल आइकन होगा इसे भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रेगनेंसी में सोना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो आप जो है 7-8 घंटे की नींद भरपूर मात्रा में लें, क्योंकि अगर 7-8 घंटे की आप नींद नहीं लेंगी तो इससे जो है प्रेगनेंसी में बहुत सारे नुकसान आ सकते हैं। तो आप जो है भरपूर मात्रा में आप जो नींद लें, इस समय जो है आप जब भी सोती हैं तो आप सीधा होके बिल्कुल भी ना सोएं, क्योंकि आप अगर सीधा होके सोती हैं तो इससे जो है बेबी को जो है ऑक्सीजन नहीं पहुँच सकता है, और इसमें जो है ब्लड सप्लाई भी अच्छी तरह से नहीं होता है। तो बॉडी में ब्लड सप्लाई भी अच्छी तरह से नहीं होगा, बेबी तक जो है ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाएगा और ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगा। तो जब भी सोना हो आप जो है करवट लेके सोएं, दाईं तरफ सोएं या बाईं तरफ सोएं, लेकिन जब भी सोना है आप जो है सीधा बिल्कुल भी ना सोएं। आपको जब भी सोना होगा आप जो है करवट लेती हैं तो आप जो है झटके से बिल्कुल भी ना उठें। अगर सोना है तो आप जो है उठें, फिर एक करवट लें, उसके बाद अगर दूसरी करवट लेना है तो सीधा होके बिल्कुल भी ना लें, आप फिर उठें और उसके बाद जो है दूसरी करवट लें। अगर आप झटके से उठती हैं तो उस समय क्या होता है, हमें जो है हमारे प्रेगनेंसी में बहुत नुकसान हो सकता है, हमारे बेबी को बहुत नुकसान हो सकता है। हमें डॉक्टर हमेशा ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि जब भी आपको उठना है, बैठना है, तो आप जो है इस समय झटके से बिल्कुल भी ना उठें। सोना भी है तो आप बिल्कुल भी झटके से ना सोएं। करवट लेना है तो आसानी से जो है आप थोड़ा उठें, उठ के बैठें, उसके बाद दूसरी करवट लें और उसके बाद जो है दूसरी करवट लें, क्योंकि अगर हम झटका लगेगा तो हमारे प्रेगनेंसी में जो है नुकसान पहुंच सकता है। तो अक्सर जो है कई लोग बोलते हैं कि हम जो है लेफ्ट सो रहे हैं तो हमने जो है बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है, और राइट सो रहे हैं तो हमने जो है बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि सबकी प्रेगनेंसी अलग है और सबके बॉडीज़ में जो है प्रेगनेंसी हार्मोन, SCG हार्मोन, एस्ट्रोजन पोस्ट्रोजन हार्मोन अलग अलग बन रहे हैं, सबके बॉडी में अलग अलग स्त्राव होते हैं, और हमारा बेबी जो है वो भी जो है अलग अलग होता है, सब बेबी का जो है स्वभाव भी अलग अलग होता है। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, बेबी जो है एक एक जगह ले लेता है, जैसे हम घर में रहते हैं तो बेबी भी क्या करता है, गर्भाशय में एक वह साइड ले लेता है, वह कभी राइट साइड की तरफ ज़्यादा रहता है और किसी किसी में और किसी तरफ लेफ्ट साइड में ज़्यादा रहता है। तो क्या होता है कि जब बेबी जो है वो एक बेबी साइड लेने के कारण जो है जिस जिधर जो है हमें कंफर्टेबल लगता है और जिधर हमें आराम समझ में आता है, हम उसी तरफ जो है सोना ज़्यादा पसंद करते हैं कि जिधर हमें आराम महसूस होता है प्रेगनेंसी में। तो अक्सर कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में जो है लेफ्ट साइड सोना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बच्चे को ऑक्सीजन लेवल अच्छी तरह से पहुँचता है, प्लस जो है ब्लड सप्लाई भी अच्छी तरह से होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी जो है बॉडी का अच्छी तरह से होता है। तो अक्सर डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि लेफ्ट साइड की तरफ प्रेगनेंसी के टाइम में हमें ज़्यादा सोना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ऑक्सीजन लेवल अच्छी तरह से हमारे बेबी को पहुंचेगा। तो देखिए, कई लोग जो है इसे जेंडर प्रिडिक्शन के साथ भी जोड़ देते हैं कि अगर हम लेफ्ट सो रहे हैं तो हमने जो है बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है, और राइट सो रहे हैं तो हमने जो है बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं अपने टाइम की बात बता रही हूँ। मुझे जो है राइट साइड में सोना बहुत ही कम्फर्टेबल लगता था, क्योंकि राइट साइड से जो है मैं उठ सकती थी, बैठ सकती थी, और उस साइड से ही मुझे सोने में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होता था। तो
उस समय जो है मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ था। तो इस बात में बिल्कुल भी भ्रम नहीं है, भ्रम है, और इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। बस ओल्ड वाइफ्स ऐसा बोलती हैं, और कई वीडियोस में हम लोग भी ऐसा देख लेते हैं कि हमने जो है अगर लेफ्ट सोया तो हमने जो है बेबी बॉय को कंसीव किया, और राइट सोया तो हमने जो है बेबी गर्ल को कंसीव किया है। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, प्रेगनेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सोना। कभी भी जो है हमें झटके से नहीं सोना चाहिए, झटके से नहीं उठना चाहिए, झटके से बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। झटका जो है हमारे प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर झटका लगेगा तो हमारे प्रेगनेंसी में नुकसान हो सकता है। आप जब भी सोएं, आप लेफ्ट सोएं या राइट सोएं, लेकिन आप अपने प्रेगनेंसी में जो है झटका बिल्कुल भी लगने ना दें। तो फ्रेंड, इसमें जो है कहीं भी कोई मतलब साइंटिफिक रीजन भी नहीं है कि हमने जो है लेफ्ट सोया तो हमने जो है बेबी बॉय को कंसीव किया, और राइट सोया तो हमने बेबी गर्ल को कंसीव किया। बस ये एक ओल्ड वाइफ्स ऐसा बोलती हैं, और इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो चलिए, आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे इन करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए, आज के वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।